हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री, जिसका सभी को काफ़ी इंतज़ार रहता है। तो आज देखने वाले हैं आपका वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री का फेवरेट टॉपिक, लेकिन इसमें जो मेरा पसंदीदा टॉपिक इम्प्रेशनिज्म, जिसको कहते हैं प्रभाववाद। दोस्तों, इम्प्रेशनिज्म के बारे में मैं एक बार ये कहना चाहूँगी कि जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक रहेगा, जिस भी एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक रहेगा, डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आएगा। ये इतना महत्वपूर्ण कला आंदोलन है हमारी वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री में, तो इसके बारे में जानकारी हमें ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ना हमें ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अभी जो आपको पता है, इम्प्रेशनिज्म के बाद न्यू इम्प्रेशनिस्ट आया, पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आया, तो वो भी अपने आप में बहुत डिटेल्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम अलग वीडियो में कंटेन करेंगे। और यहाँ पे जो है, हमने इम्प्रेशनिज्म पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इम्प्रेशनिज्म पे बात करेंगे। उससे पहले, जो लोग नए जुड़े हैं, पुरानों को तो पता है, नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस है, ये हमारी जो डेली यूट्यूब के क्लासेस होती है, मतलब डेली बेसिस पे तो अब चालू होने वाली है, लेकिन जो भी आपको आर्ट मटेरियल्स और हमारी जो क्लास होती है, उसको एक रिटर्न फॉर्म में और एक ग्रुप के फॉर्म में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कर रखा है, विजुअल आर्ट्स विद मिनी। ये एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग अगर इसको ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो आप ही के लिए हेल्पफुल है। वहाँ डेली क्विजेस होती हैं, और कोई भी डाउट्स हो आपको, तो आप ग्रुप में पब्लिकली पूछ सकते हैं, मैं भी आंसर करती हूँ, और जो हमारे ग्रुप एक्सपर्ट्स हैं, जो इसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो भी आपको आपकी जो भी क्वेरीज है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही अगर और भी कुछ प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम पे नहीं जुड़ सकते हैं, तो इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने दे रखी है, इसमें आप डीएम करके जो भी पूछ सकते हैं, जैसे सभी बच्चे पूछते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं, आप उस हिसाब से अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, इम्प्रेशनिज्म क्या था ये देखिए। लास्ट में अभी हमने जो पढ़ा था रियलिज्म, क्या पढ़ा था, रियलिज्म, प्रे रेफेलाइट, इन सब चीज़ों का क्या था, अकेडमिक से दूर जा रहे थे, अकेडमिक शैली से हट के उनको वो बनाना था जो वो देख रहे थे, जो रियल है वो उनको वो क्रिएट करना है। वो आसपास फैंटेसी वर्ल्ड को छोड़ के, मतलब हम रोमांटिसिज्म का अपोज बोलेंगे, रोमांसवाद को अपोज करके, जो फैंटेसी वर्ल्ड है, ड्रीमी वर्ल्ड है, इनको छोड़ के उनको यथार्थ को चित्रण करना था। जैसे कि हमारे आसपास मजदूर कार्य कर रहे हैं, हमारे आसपास जो नेचर दिख रहा है उनको वो क्रिएट करना था। ठीक है, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम बोलेंगे कि इम्प्रेशनिज्म जो आर्ट मूवमेंट था, ये क्या था दोस्तों, ये था बहुत चेंज। इनने बहुत चेंज ला दिया, इनने आधुनिकता पे कदम रख दिया, इनने हमारी जो वर्ल्ड को एक आधुनिकता से परिचित कराया, मॉडर्नाइजेशन से परिचित करवाया। इस समय है ना, हम कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इम्प्रेशनिज्म से चालू हो गया था। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, पॉल सीजान, तो वो भी आप सब जानते हैं कि वो भी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म को बिलोंग करते हैं, दैट इज वो इम्प्रेशनिस्ट को बिलोंग करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ से मॉडर्न आर्ट की शुरुआत हो रही है, आधुनिकता की शुरुआत हो रही है, और दैट्स वाई इम्प्रेशनिज्म इतना इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो समय है वो 1870 से 1885 है, लेकिन अब इस चीज को कंफ्यूज ये मत होना, इम्प्रेशनिस्ट ने जो अपना नामकरण किया था, जो अपना एक आइडेंटिटी शो की थी, एक सक्सेसफुल आइडेंटिटी शो करी थी, उसका टाइम था 1870, लेकिन इनका जो स्ट्रगल है वो बहुत पहले से चालू हो गया था, तो अपन उसको आगे पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। इसको थोड़ा सा, जो मैंने लिखी हुई चीजें करी है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उन कलाकारों के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिएगा जो इतना बड़ा चेंज हम लोगों के लिए लेके आ रहे थे। अकेडमिक्स के भाई, वो लोग बोलते थे कि स्किन का टेक्सचर ये होना चाहिए, उनके टीचर्स ये बोलेंगे, लेकिन उनको जो वास्तविक दिखता था वो वही करते थे। अगर स्किन का टेक्सचर उनको ऐसा दिख रहा है तो वो वैसा ही क्रिएट करेंगे, पेड़ पत्ते में जैसे टेक्सचर उनको दिख रहे हैं वो वही बनाएंगे। जो उनके टीचर मास्टर्स उन्हें सिखा रहे हैं, उनका उनको प्रूफ नहीं मिल रहा है, मतलब वो कहाँ रियल में दिख रहा है उनको, इसलिए वो उसका अपोज कर रहे हैं और नई चीज लेके आ रहे हैं। तो ये सारे थॉट्स को लेके जो है, आर्टिस्ट हमारे जो इम्प्रेशनिस्ट आर्ट मूवमेंट है वो चालू हुआ। आर्टिस्ट कौन है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन उनकी लाइफ को हम थोड़ा सा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए, तो ये कलाकार स्वयं को, सबसे पहली लाइन को देखिए, ये कलाकार जो है
स्वयं को अपने आप को, मतलब जो इसके फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म क्लाउड मोनेट थे, तो मोनेट से जब हम बात करते हैं, मतलब जब उन्हें अपना इंटरव्यू में, तो वो अपने आप को क्या कहते हैं कि आई एम द आर्टिस्ट ऑफ वाटर लाइट कलर, मैं रंग में लाइट का चित्र, हम लोग जो हैं हम लाइट को चित्र करते हैं, हम लोग पानी को, और हम लोग रंग को चित्र करते हैं, इस तरह का इनका पेटेंट नेम था। ठीक है, क्यों था वो आगे पेंटिंग्स में समझ आएगा। ये वही कलर यूज करते थे जो इंद्रधनुष रेनबो में दिखते हैं। ध्यान रखिएगा, बेसिक रेनबो कलर्स को यूज किया है इन्हें, उसके अलावा एक्स्ट्रा मिक्सचर्स यूज नहीं किया है। ठीक है, तो रेनबो कलर्स यूज किया है। फिर देखते हैं क्या है, तो सूर्य, ये तो मेन पॉइंट है, आगे अपन कहानी को थोड़ा सा शुरू करेंगे। सूर्य किरणों के प्रकाश का अध्ययन किया है। सूर्य की जो किरण है, वो सन से जो सन रेज निकल रहा है, जो लाइट्स निकल रहा है, उसका अध्ययन इन लोगों ने किया है, सन रेज से जो भी लाइट। तो दैट्स वाई मोने अपने आप को क्या बोलते थे कि मैं जो हूँ लाइट का कलाकार हूँ। ठीक, अब देखते हैं क्या है, ये आर्टिस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आर्टिस्ट जो है कभी भी, ध्यान रखिएगा, ये आर्टिस्ट कभी भी रंग को मिला के नहीं लगाते थे, ये अलग अलग लगाते थे। मतलब इनके पास जो रेनबो के कलर्स यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट उनको अगर ग्रीन क्रिएट करना होता था, तो वो क्या करते थे, वो पहले ब्लू ब्लू कलर लगाते थे, और उसके बाद जो है वो उसके पास येलो लगा देते थे, तो ग्रीन का इफेक्ट आ जाता था। ठीक, तो इस तरह का जो है काम करना उनको, ऐसा नहीं कि अगर उनको ग्रीन क्रिएट करना है तो जैसे आप लोग अपने पैलेट में येलो और ब्लू को मिला लेते हैं, हम ग्रीन बन जाता है, तो वो ऐसा काम नहीं करते थे, वो डायरेक्ट अप्लाई करते थे। आज भी प्रेजेंट में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि, हम जब कलर्स पोर्ट्रेट करते हैं या हम लैंडस्केप करते हैं, तो हम डायरेक्ट कलर्स मिक्स करके शीट पे नहीं लगाएं, कैनवस पे नहीं लगाएं, हमें अलग अलग कलर्स को लगाना चाहिए। ये अब जब हम नए आर्ट किसी आर्टिस्ट के काम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो लोग भी ये चीज़ बोलते हैं। उसमें जो शाइनिंग होती है, जो ब्राइटनेस होती है, जो रियलिटी होती है, वो दूसरे में नहीं होती। तो यही जो ये जो पैटर्न है, ये इम्प्रेशनिस्ट यूज करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। इन्होंने स्वाभाविक रूप से दृश्य चित्रण किया है, सॉरी दृश्य चित्रण क्यों किया है, पेंसिल हो गई थी, दृश्य चित्रण किया है। क्यों दृश्य चित्रण किया है, क्योंकि वो उन्हें प्रकृति में बाहर दिखते थे, और हम उनकी एक बार लाइफस्टाइल देखेंगे तो उससे हमको समझ आएगा। अब मनुष्य अपने काम में व्यस्त रहता था, और उस जन को चित्रण किया है, मतलब जो जिस टाइम में, मतलब हम रियलिज्म में जा रहे हैं कि दृश्य चित्रण, दृश्य आपको पता है नेचर हमें ऑल ओवर दिखता है, कोई वो कोई कहानी बनी भी नहीं है, वो रियल है। इसलिए एक तो वो दृश्य चित्र करते थे, दूसरा क्या था कि जब मनुष्य बिजी रह रहे हैं, मतलब समझे आप लोग, जैसे घोड़ा गाड़ी चल रही है, वो पेरिस में गए थे, तो वहां पे जहाँ पे ये व्यापार वाली चीजें होती थी, ये वो ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में भी मतलब बिजी लाइफ दिख रही है आते जाते, तो यही सब इनने चित्रित किया है। ये जब कॉफी बार में जाते थे, मिलते थे सब दोस्त, तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी चीज थी, तो वो जब मिलते थे तो वो कॉफी बार वाली चीज में वो चित्रित किया है। वहां भी बैठे बैठे अगर चारों, तीनों चारों आर्टिस्ट बैठे, तो वहां वो स्केचिंग करते थे, तो वो सारे स्केचेस, सारे पेंटिंग्स, उसको पेंटिंग भी फॉर्म करते थे, वो सब चीजें इन लोगों ने अपने जो है अपने विषय में लिया है। देखो ये लिखा ही है, कॉफी हाउस, बार, नृत्य का चित्रण, ये सब किया है, क्योंकि जो वो देखते थे, जैसे बैले डांसर्स, देगास का हम देखते हैं कि वो बैले डांसर्स को पेंट कर चित्र बनाते थे, तो वो कैसे बनाते थे, तो वो अलग चीज करते थे, खैर वो ऑब्जर्व भी करते थे, और वो अपने स्टूडियो में भी उसको कंप्लीट करते थे, अपने मॉडल को बैले डांस फॉर्म में क्रिएट करके। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है बाहर, क्यों बाहर में ये लोग मिलते थे, तो उस तरह की खूब स्केचिंग्स और ये सब ये लोग करते थे। रंगों में समयावच्छेद है, किसी वस्तु के छाया वाले हिस्से में उन लोगों का एक ये रहता था फॉर्मूला, एक तरह से कि अगर हमें कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, तो उसकी छाया बतानी है, उसकी शेड बतानी है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो पूरक कलर है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, उससे हम उसकी छाया को बता देंगे। ये वाली चीज जो होती है, ये उनने कहा था कि उसके पूरक रंग से हम उसके शेड को दिखा देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या जल्दी करना है, पर मैं इसको जल्दी नहीं, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, जो जो भी मन में आएगा, जो जो चीजें मुझे पता होगी वो मैं जरूर बताऊंगी, भले वीडियो लंबा हो जाए। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट एग्जीबिशन क्या हुआ। तो देखो 18 टाइम जो माना था आपको बता दिया मैंने, 1870 के अप्रोक्स माना गया, लेकिन जो इनका फर्स्ट एग्जीबिशन कहलाता है वो 1874 होता है। ठीक है, क्या होता है 1874, ध्यान रखिए 1874, नडार फोटो सेलोन नाम से,
क्या लिखा है, नडार फोटो सैलून नाम से ये एग्जीबिशन था, ये इनका फर्स्ट एग्जीबिशन माना जाता है। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, तो देखो क्लाउड मोनेट, कैमिल पिसारो, रेनॉयर, एल्फर्ड सिजली, सीजेन, डेगास, बुडीन, बैर्थे मोरिसोट, हेनरी रोरक। ठीक है, इसके हिंदी में भी नाम अवेलेबल है। ये सब इनके जो है मेन आर्टिस्ट थे, जो मेन इम्प्रेशनिस्ट कहे जाते हैं। ये आर्टिस्ट का नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक कलाकार का नाम मिसिंग है, शायद होता अगर उनकी डेथ पहले नहीं हो जाती। वो कहते हैं फ्रेडरे बजील, है ना, बजील। आगे मैं बताऊंगी जो सब आर्टिस्ट देखेंगे। बजील जो मोनेट और रेनॉयर इनके तिकड़ी थे, तिकड़ी समझते हैं आप, जो थ्री थ्री ट्राइंगल होता है फ्रेंडशिप का, उस तरह की फ्रेंडशिप ने इम्प्रेशनिस्ट को जन्म दिया था। उनने पहले हिम्मत करी थी और फिर धीरे धीरे ये ग्रुप जुड़ा। लेकिन जब इम्प्रेशनिस्ट को नाम मिला, पहचान मिली, जब उन्हें समझ आया कि दैट वी आर इम्प्रेशनिस्ट, उनने फर्स्ट एग्जीबिशन, तब बेजील उनके साथ नहीं थे। ठीक है, बाकी ये दोनों तो थे लेकिन वो नहीं थे। तो उनके बारे में भी, उनकी जो गुड वर्क्स हैं वो अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी क्या बताया कि पहला एग्जीबिशन ये हुआ, लेकिन अब अपन क्या है, उससे पहले अपन पहले एग्जीबिशन से पहले क्या क्या कहानियां हुई, क्या क्या चीजें फेस करी, वो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आज आप इंप्रेशनिज्म को एक बहुत बड़े कला आंदोलन के रूप में देख रहे हो। आप समझते होगे कि क्लाउड मोनेट ये सब कितने बड़े आर्टिस्ट होंगे, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स इतनी महंगी बिकी है, इतनी महंगी बिकती है, इतनी पॉपुलर है। लेकिन वो अब बिकी है, वो मतलब वो बाद में हुआ है जब उन्हें पहचान मिली, लेकिन उससे पहले जो उनका स्ट्रगल है उसको हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मज़ा आएगा। एक हम भी आज एक प्रेजेंट स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, और हम भी चाहेंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ हो सके, कैसे हम अच्छे वो बन रहे। तो उसके लिए हमें अपने पूर्वजों को देखना ज़रूरी है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि इम्प्रेशनिस्ट जो नाम है वो किसने दिया है, तो वो जो दिया गया है अच्छे से याद रखिएगा, वो नाम दिया गया लू ली राय। किसने दिया है, लू ली राय, इनने जो है इसका नामकरण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सभी के जो आर्ट मूवमेंट से उनका आता है कि ये नामकरण किसने किया, है ना, जैसे कि अपोलो नेयर है, ट्रिजनान-टारा है, ये सब आगे हमारे आएंगे आर्ट मूवमेंट्स को जिनने नेमिंग करी, नाम किया है। इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कोई उसके मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनने नेमिंग करी है। ठीक, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका नेम किसने दिया है। अब देखते हैं 1874 की पहले की कहानी क्या थी। तो देखो 1874 की पहले की कहानी थी दोस्तों, 1863 में सैलोन डे अपोलो नाम का क्या था, सैलोन डे अपोलो नाम का एक आर्ट एग्जीबिशन लगा। ठीक है, उसमें जो है 4,000 पेंटिंग्स, कितनी, 4,000 पेंटिंग को इनने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये जो है नेपोलियन का टाइम था, लुई नेपोलियन का आप जानते हैं, उस समय का टाइम था, और ये लोग जो है अपनी पेंटिंग्स में पॉलिटिक्स और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनसे रिलेटेड पेंटिंग्स चाहते थे। याद है आपको, हम जब न्यू क्लासेस में रोमांटिसिज्म देखी, दे आर फॉर द पॉलिटिक्स, क्योंकि वो उस समय का समय था, तो वो लोग उस चीज़ को चाह रहे थे, और इनने कुछ अलग हटके काम किया था। इनने मतलब नॉट इम्प्रेशनिस्ट, जो भी जितने भी पेंटिंग्स थी उस समय, उस वो जो रिजेक्ट हुई थी, तो वो उस तरह की अलग थी, और उन लोगों को एक पॉलिटिक्स फोकस करी हुई पेंटिंग्स चाहिए थी, इसलिए उन्हें वो रिजेक्ट कर दी। तो 4,000 पेंटिंग्स रिजेक्ट हुई। लेकिन अब ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको यही होगा कि बात इंप्रेशनिस्ट पे चल रही थी, हम पीछे क्यों चले गए, क्यों, क्योंकि इंप्रेशनिज्म का जन्म कहाँ से हुआ, उनके दिमाग में बात कहाँ से हुई, वो दिमाग आई थी ये, दिस इज द पेंटिंग जिसका नाम है लंच मैन ऑन द ग्रास, जो कि एडवर्ड मानेट ने बनाई थी। एडवर्ड मानेट को कई लोग प्रभाववाद का जनक कहते हैं, लेकिन प्रभाववाद के जनक क्लाउड मोनेट ही हैं। ठीक है, थीके? देखो कई लोगों, क्लाउड वर्ड का जनक तो मोनेट ही है, लेकिन जो मैनेट हैं, मानेट हैं, इसको हम पूर्वज कह सकते हैं। पूर्वज क्यों, क्योंकि उनने ही इम्प्रेशनिज्म प्रोवाइड किया है, उन्हीं की पेंटिंग से उनको आइडिया आया है, और उन्हीं की पेंटिंग से हमारे जो क्लाउड मोनेट है, जिनको हम फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म कहते हैं, उनको कुछ नई करने की प्रेरणा मिली थी। वो कैसे, तो अभी फिर आगे करके अपन बताते हैं। तो देखिए एक मिनट, पहले ये देख लिया आपने कि उसी में लंचमैन ऑफ द ग्रास थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है सोलन डे रेफ्यूज नाम का एक फ्रांस में इनने, जो क्योंकि रिजेक्ट हो गई थी, सोलन डे रेफ्यूजर्स नाम का एग्जीबिशन किया था, और उसमें वो 4,000 में से 600 छोड़कर सभी प्रदर्शित एग्जिबिट हो गई थी, है ना। और उसी में ये भी थी हमारी क्या
क्या बोलते हैं, लंच मैन ऑन द ग्रास। इसमें भी कलाकार कौन थे, तो मोनेट, बुडीन, लेटुको, जेंकिन, पिसालो और विस्लेट। ठीक है, तो ये सब जो थे ये इसमें आर्टिस्ट थे और इनने जो अपना काम यहाँ पे किया था। ठीक, अब आगे देखते हैं, लंचमैन ऑफ द ग्रास में ऐसी क्या बात थी जो इतना मजा आ गया, मतलब इन लोगों को क्या। तो ये जब लगी थी ना, तो सबने इस पे बहुत मतलब इतना विरोध प्रदर्शित किया था कि मतलब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे एडवर्ड मानेट की इस पेंटिंग से। क्यों? क्योंकि इनने एक जो न्यूड फिगर को दो जेंटलमैन के बीच में बताया है ना, और लंच में ना तो कैसे पिकनिक शो में बताया है, तो दे पेंटेड द रियल थिंग्स। ठीक है, तो उस चीज में उन्होंने ये चीज बताई है, तो ये इस चीज से लोगों को बहुत विरोध हो गया था कि ये हर कुछ है, ये इट्स नॉट रियल, ये ऐसा नहीं होता, ऐसी पेंटिंग नहीं होती। लेकिन जब मोनेट पिसारो और सॉरी मोनेट रेनार और हमारे बोडीन सॉरी बजील, ये जो तीनों दोस्त थे, ये जब आए थे यहाँ देखने, तो इनने जो देखा, इनने एक तो ठीक है द फिगर्स जो रियलिटी थी वो देख के बहुत खुश हुए, और जब इनने ये ऊपर देखा तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ जो इसकी पेंटिंग क्लियर दिखे, तो आप देखना कि जो पत्तों में जो टेक्सचर्स मानेट ने यूज किए हैं, उससे क्लाउड मोनेट को एक अपनी प्रेरणा मिल गई थी, और उस प्रेरणा से उनने कहा था कि ये जो है ये प्रभाववाद का जन्म हुआ है, ये प्रभाववाद का जन्म हुआ है। और आप इसी के बाद मोनेट की जितनी पेंटिंग्स देखते हैं जो पैचेस में इंप्रेशनिस्ट उनने क्रिएट किया है, वो इसी पर होता है। ठीक है, तो ये पेंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भले बहुत क्यों इतनी अच्छी वो नहीं मिली थी मानेट को उस समय, लेकिन उन्हें इम्प्रेशनिस्ट को एज अ पूर्वज, इन्हें इम्प्रेशनिस्ट को ये चीज़ प्रोवाइड की थी। इसलिए यही कारण है, रटने की बात नहीं है दोस्तों, हम हर चीज़ में रट लेते हैं और इसलिए भूल जाते हैं कि पूर्वज कौन थे और जनक कौन थे। तो पूर्वज मानेट होंगे क्योंकि वो बड़े थे, वो पहले, उनने दूसरी चीज़ों में भी कार्य किया है, वो इम्प्रेशनिस्ट को नहीं लेके आए। इंप्रेशनिज्म को क्लाउड मोनेट ने इंट्रोड्यूस किया था, रेनॉयर, बुडीन, पिसारो, ये जो थे, ये सारे इनके जो वो थे, इन लोगों ने इंप्रेशनिस्ट को लाए थे, इसलिए फादर वो कहलाए। लेकिन पूर्वज क्योंकि उनको आइडिया प्रदान करने वाले भी ये थे और इनको सपोर्ट करने वाले भी ये थे, इसलिए इनको पूर्वज कहा गया। तो चीजों को समझ के समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब एक बार एग्जीबिशंस देख लेते हैं इंप्रेशनिस्ट के क्या क्या हुए हैं। नॉर्मली चाहो तो नोट कर लेना, प्रथम प्रदर्शनी 1874 में हुई है, सैलून डे पेरिस अभी बताया था आपको, उसमें याद रखना ये हुई थी। अब आते होते हैं 1876 में पोज़्टे रेसिडेंट, है ना, उस समय इनने फिर से चित्रण किया। ठीक है, उसमें सक्सेस नहीं हुआ, फिर चित्रण किया, तो यहाँ फिगरो नामक जो पत्रिका थी उसकी कला समीक्षा ने इसको क्या बताया था, इस दुर्घटना को बताया था कि 5-6 पागलों को एकत्रित होकर उनने कार्य प्रदर्शित किया। मतलब इतना, जैसे याद है आपको फोविज्म के समय जब जंगलवाद कहते हैं जिसको, उसमें ऐसा किया था कि जंगली लोगों की कला है, उनको वाइल्ड बीस्ट नाम दे दिया था आर्ट क्रिटिक्स ने, वैसे ही इनको भी क्या बोला था कि 5-6 पागलों ने प्रदर्शित कर दिया है। 1877 में बहुत कम दर्शक आए, उनने लगाया था जब मैरिज हो गई थी मोनेट की, तब लगाया था, उसके बाद ही, तो बहुत कम विजिटर आए थे, लेकिन विजिटर आए थे। इतना मतलब जो इतना विरोधी इंप्रेशन था ना, वो ना हो के थोड़ा नॉर्मल था, लोग हंस रहे, लोग जरूर थोड़ा बहुत हंसे भी थे, एंड उनको उस चीज में गुस्सा भी आई थी कि ये क्या है, जब उनका पेंटिंग्स थी तो हंसे भी थे, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर 1879 में थोड़ी लोकप्रियता मिली थी, कुछ एक दो पेंटिंग्स को पसंद आ चुकी थी, पसंद आई थी, लोगों ने अप्रिशिएट किया था, और 1886 में एट्थ और फाइनल एग्जीबिशन था, और इन इन जो एग्जीबिशन में पॉल सीजन ने भी पार्ट लिया था। ठीक है, लास्ट के एग्जीबिशन में पॉल सीजन भी हिस्सा थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम पहले फादर को जाने से पहले हम लोग पूर्वज को देख लेते हैं। ठीक है, तो पूर्वज एडवर्ड मानेट कौन थे वो देखते हैं। देखो, प्रभाववाद के पूर्वज, एंसेस्टर ऑफ इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, इनको संधिकालीन कलाकार भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से ऐसा मानते हैं कि दो काल को जोड़ा है उनने, संधि काल किया, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म के बीच के कलाकार मानते हैं, उनने यथार्थवाद में भी कार्य किया है और इम्प्रेशनिज्म, इसलिए उनको संधिवाद
कालीन कलाकार भी कहते हैं। इनका जन्म पेरिस के एक उच्च परिवार में हुआ, एक रिच फैमिली में हुआ। जो तीन दोस्तों की मैं बात कर रही थी, मोनेट, रेनॉर और बजील, ये लोग बहुत स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे। लेकिन मानेट और डेगास की बात करें तो एक रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। लीजन ऑफ ऑनर मिला उनको मृत्यु के एक वर्ष के पहले, उनको लीजन ऑफ ऑनर मिला था एकेडमी से। ठीक है, आरंभिक स्केच बना लेते थे और फिर वो स्टूडियो में जाके उसको कंप्लीट करते थे। उनकी मॉडल्स थी और उसमें वो स्टूडियो से उसको वो कंप्लीट करते थे। देगा उनके मित्र थे और हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक है, देगास और मानेट बहुत अच्छे फिर थे। और ऐसा कहा जाता है, क्लाउड मानेट उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि मानेट के बाद अगर डेगास है तो उनको डेगास जैसे फ्रेंड है ना, मतलब एक दूसरे, इन दोनों के पास अगर एक दूसरे जैसे फ्रेंड है तो इनको दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, ये इतना लड़ते थे। ठीक है, एक दूसरे को इतना लड़ाई भी करते थे। तो ये वाली चीज इंटरेस्टिंग है। इस तरह से क्लाउड मानेट एक बहुत, मतलब जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे ना, तब ये एक आर्टिस्ट थे, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। मतलब जब ये लोग एक तरह से बोलेंगे स्टूडेंट लेवल में थे, जब उन्हें एकेडमी लीव करी थी क्लाउड मॉनेट ने, तब उस समय ये एक अच्छे आर्टिस्ट थे, नामी आर्टिस्ट थे। और जब क्लाउड मॉनेट को अपनी फर्स्ट पेंटिंग के लिए अप्रिसिएशन मिला था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखिएगा कि जिस जिस एग्जीबिशन में उनको थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिला था, जो अभी मैंने बताया था 79 के अप्रोक्स, 78 77 वाला जो था, तो उसमें जब उनको अप्रिसिएशन मिला था तो लोग, जब मानेट एंटर हुए थे तो लोगों ने मानेट के लिए तालियां बजाई थी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा था कि ये पेंटिंग मानेट ने बनाई है। क्यों? क्योंकि उनका नाम था मोनेट और इनका था मोनेट और इनका था मानेट, तो क्योंकि उसमें मोनेट लिखा था और लोगों को वो क्या मानेट पढ़ाने आ रहा था, तो मानेट को, ये एडवर्ड मानेट को किसकी, क्लाउड मोनेट की पेंटिंग की तारीफ मिल गई थी। और उसके लिए वो बहुत गुस्सा हुए थे, भले बाद में ये लोग इम्प्रेशनिस्ट ज्वाइन हो गए थे, लेकिन वो बहुत गुस्सा हुए थे और उनने मतलब बहुत हाथापाई मारा कुटी इनसे, क्लाउड मोनेट से कर ली थी। ठीक है, तो ये वाली एक ऐसी इंसिडेंट है। अब देखिए आर्टिस्ट हैं, इनमें भी ठना ठनी बहुत चलती थी, काम है तो वो तो होएगा ही। अब देखो इनके जो पेंटिंग्स देख लेते हैं थोड़ा सा। एब्सिंथ डिंकर, देखो दोस्तों इसमें मुझे थोड़ा सा हिंदी लाने में प्रॉब्लम आई है। आई होप इस पेंटिंग के नाम जो इंग्लिश में मिलते हैं आपको पता है ज़्यादा वेस्टर्न में, तो आप उसको मैनेज कर लो। एब्सिंथ डिंकर, ड्रिंकर, एब्सिंथ पीते हुए आस पास देखिए, एक फुल लेंथ पोर्ट्रेट है। एक रैग पिकर थे वो उठाने वाले, कोलार्डेट नाम के, उनका ये पोर्ट्रेट है फुल लेंथ। इसमें देखो जो शेडो पड़ रही है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये जो शेडो पड़ रही है, इस शेडो को उनने चित्रित किया है। यहाँ पे एप्सिंथ का जो है ग्लास पास में पड़ा है, ये शो करता है, एक बोतल नीचे गिरी हुई है, तो ये वाला जो है एक अच्छा काम इनका माना जाता है। लंच मैन ऑन द ग्रास के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 1862-63 की उस समय की पेंटिंग है ये, और इसने ही एक तरह से उसको जन्म दिया था, किसको, इम्प्रेशनिस्ट को। तो लंच मैन ऑन द ग्रास को मैं डिस्कस पहले कर चुकी हूँ। न्यूड लेडी सिटिंग इन द फ्रंट और इन बिटवीन टू, दो अच्छे बिजनेसमैन, क्लास्ड बिजनेसमैन के बीच में एक न्यूड लेडी विली, एंड दिस इज द लंच मैन ऑन द ग्रास। फिर आते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम, ओलंपिया। जो चीज़ अभी मैं आपको लंच मैन ऑन द ग्रास के बारे में बता रही थी, वो चीज़ ओलंपिया की है कि लिटरली उस समय लोग उनकी पेंटिंग्स को, जो बोलते हैं पत्थर वगैरह, मतलब पथराव करने पे तुले थे, और वो उनको लोग खींच रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा उनको इसमें वो मिल गया था कि ये गलत है। ठीक है, क्यों, इस क्यों गलत है तो थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखिए मैं आपको बता रही थी कि इनकी जो मॉडल है, ये इनकी फेवरेट मॉडल थी विक्टोराइन म्यूरेट, उनकी फ्रेंड, तो वो उनकी मॉडल थी, और कहते हैं कि शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट थे, और प्रोस्टिट्यूट को इतनी अच्छे पोस्चर में बताने के लिए लोगों ने इसको बहुत विरोध किया था। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज का विरोध हुआ था। पीछे जो है ये लॉरे हैं, ये भी इनकी मॉडल थी, फ्लावर, उनका पूरा केयर टेकिंग और ये सब ये चीजें वो करती थी। ठीक है, तो उसको यहाँ पे चित्रित किया गया है, पास में काली कैट है। मोनेट ने ऐसा कहा था कि जो वीनस ऑफ उर्बिनो है,
हमने जो टिशियन की देखी थी, मैंने उससे इंस्पायर होके ये पेंटिंग बनाई है, जबकि इस चीज़ का बहुत विरोध हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कस इस पे कर नहीं पाऊंगी। आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ही, लेकिन क्योंकि बहुत डिफरेंस है वीनस और फुर्बिनो में, लोगों ने कहा है, और ओलंपिया में। क्यों? क्योंकि वो वीनस थे और ये एक प्रोस्टिट्यूट का वो है, इसलिए हम पेंटिंग है, और इसलिए इस पर भी बहुत विरोध हुआ था। इतना विरोध कि उन्हें जगह छोड़ के जाना पड़ गया था। आगे देखिए द रेलवे मॉडल, इसमें भी जो है विक्टोरियन म्यूरेट, वही जो उनकी फ्रेंड जो ओलंपिया की है मॉडल, वो थी, और ये साथ में जो बच्ची है ये उनके एक आर्टिस्ट फ्रेंड की बेटी थी। ठीक, तो ये वाली भी द रेलवे मॉडल भी इनने बनाया है। अच्छा, इनकी चलो आगे बताएंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ एम्परर मैक्सिमिलियन, इनने इसमें मतलब ये वाला जो है एम्परर मैक्सिमिलियन के समय का जो भी एग्जीक्यूशन था उसको उनने चित्रित किया है, और इसी सब्जेक्ट पे ऑयल पेंटिंग, स्केच, लिथोग्राफ्स बनाए गए हैं। ठीक, चलिए आगे देखें। क्लाउड मोनेट, अब आते हैं हमारे क्लाउड मोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट ऑफ द इम्प्रेशनिस्ट। जाके बैठे थे अपनी क्लास में टीचर के साथ, रेनॉर मौजूद थे, बजील मौजूद थे, और ये जब वो एक न्यूड इन द पोस्ट, न्यूड को जब लाइफ स्टडी होती है, एक न्यूड को इनने बिठाया था इनके टीचर ने, और जो वही वीनस ऑफ उर्बिनो पोस्चर में बताया था टिशियन के। तो देखिए क्लाउड मोनेटेस ऐसे थे, इनको कोई आर्ट हिस्ट्री और इन सब चीज़ों में नॉलेज नहीं थी, उनको तो ये बस जो दिख रहा है वो मुझे बनाना है, दिस इज द आर्ट फॉर मी। तो उनसे ये क्वेश्चन किया था उनके टीचर ने, क्या किया था कि भाई मोनेट बताओ कि ये जो पोस्चर है वो किसका है। ठीक, तो उनको नहीं पता था कि वो फेमस विसेली का वीनस ऑफ उर्बिनो है। तो फिर रेनॉर ने इशारा करके उन्हें ये सच बताया था। तो इस तरह की ये दोस्तों की बहुत खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी, लेकिन खट्टी मीठी नोकझोंक से पहले हम बोलेंगे कि प्रभाववाद के जनक ही कैसे बने, कैसे अलग हुए, कैसे उनने विरोध किया। तो विरोध शुरुआत तब हुई थी जब उनके टीचर उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें कहा कि जब वही न्यूड पर्सनैलिटी बैठी है सामने, उनका हाथ पैर जो भी वो बना रहे थे, तो उसको उन्हें कहा कि इस तरह से पेंट करो। लेकिन मोनेट ने कहा मुझे तो ये दिख रहा है, मैं तो ऐसा पेंट करूंगा जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्किन टेक्सचर्स, लेग टेक्सचर्स, वे वाली चीजें। तो उनने कहा मुझे तो ये दिख रहा है, मैं ऐसा करूंगा। तो जब ये वाली बात हुई तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्हें कहा नहीं, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो करना होगा वो करना होगा। तो मोनेट ने इस चीज का विरोध किया, मोनेट, रेनॉयर और बजील तीनों अपनी क्लास को छोड़ के निकल गए, बाहर निकल गए, और मैं फिर पीछे कभी पलट के नहीं देखा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लाउड मोनेट की स्टार्टिंग बता रही हूँ। फादर ऑफ इम्प्रेशनिस्ट कहे जाते हैं, ये तो फिर बुक में मिल जाएगा। नेचर से इंस्पायर्ड हैं, प्रकृति से प्रभावित पेंटिंग है उनकी। वो पहले कैरिकेचर्स बनाते थे, फिर 18 साल की उम्र में पेरिस आ गए, वहां पे ही उनने ये सब काम अपने नाटक किए थे। बुडीन से इंस्पायर थे, खुले एनवायरनमेंट में पेंटिंग करते थे, हमको सबको पता है खुले एनवायरनमेंट में पेंटिंग करते थे। उन्हें आकाश का बादशाह कहा है, किसने? बोदेलियर ने इनको आकाश का बादशाह कहा है। ठीक, छाया के लिए वो बैंगनी रंग का, जो मैंने आपको बताया था कि शेड के लिए इंप्रेशनिस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लगा दिया करते थे, उसी प्रकार से छाया के लिए वो वायलेट कलर का यूज करते थे। भूसा गाड़ी, गिरजाघर, वाटर लिलीज, ये सारी जो उनको दिखता था, देखो इस तरह का उनका बहुत नेचर वाला स्टूडियो था। मैं आपको बोल रही हूँ तो मेरी नजरों के सामने ऐसा एक क्रिएशन आ रहा है इमेजिनेटिव, जो बुक्स में पढ़ा है कि किस तरह से उनका स्टूडियो होगा, पूरा आकाश मतलब पूरा गार्डन से भरा हुआ, वाटर लीज एवरीवेयर, क्योंकि वो वही चित्रित करते थे। तो वो ये सारी चीजें उनकी थी। वो अपनी मैरिड लाइफ में भी इधर उधर बहुत घूमे हैं, इसलिए भूसा गाड़ी, गिरजाघर, ये सारी चीजें वो जब पेरिस गए अपने फादर के उसके लिए गए, तो वो सब चीजें उनने अलग अलग पे बना ली थी। चलो आगे देखें। अब देखो ये जब बात आ गई, ये थोड़ा सा हट गया है, चलो कोई बात नहीं। 1865 में फाउंटेन ब्लू वन में चेली नामक स्थान पर प्रभाववादी तकनीकी में सर्वप्रथम प्रकृति का चित्रण किया था। जब गुस्से में छोड़ के आ गए थे ना, तो तीनों भगे थे फाउंटेन ब्लू के वन में, और वहां पे तीनों ने सेम इसी तरह की पेंटिंग्स बनाई थी, बजील, रेनॉयर और
मॉनेट ने, ठीक। तो ये पहली पेंटिंग थी ऑयल ऑन कैनवस, है ऑयल में ही कार्य करते थे, और इस तरह से उनने लाइव खड़े होकर उनको जो दिख रहा था उस तरह का चित्रण किया था। इसको चेली नामक स्थान कहते हैं। यहाँ का एक पेंटिंग रेनॉर का भी है और बजील का भी है, ठीक है। तो इन लोगों ने साथ में काम किया था, और यहीं पे काम करते करते मॉनेट साहब गिर गए थे, उनका पैर टूट गया था और वो रेस्ट पे रह गए थे। चलिए आगे देखो, वुमेन इन ग्रीन ड्रेस, ठीक है। तो ये कौन है वुमेन इन ग्रीन ड्रेस? जब वो हो गया था ठीक, उनका पैर थोड़ा बहुत लंगड़ा रहे थे वो, फिर वो लोग ने जब जगह अपनी चेंज करी तो उनको एक प्यारी सी फ्लोरिस्ट की दुकान पे एक लड़की मिली जिसका नाम था कमील, कैमिल, ठीक है। कैमिल जो उनकी वाइफ आगे बनी, कैमिल मॉनेट, ठीक है। तो कैमिल दिखी, उनको उनने मॉडल के लिए हायर किया, और इस तरह का ये ड्रेस जो है वो बजील ने, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स एक दूसरे के कोऑपरेट थे, बजील ने इसको बनवा के दिया, ये पेन जैसा ड्रेस उनको चाहिए था। और ये ड्रेस पहन के मैडम खड़ी हुई थी सामने, और इन्हें ये लाइव लाइफ पोर्ट्रेट किया था। ये पेंटिंग ऐसे रियलिस्टिक दिख रही है, बट हम है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल मुझे क्या पता जो नेट से मिली उस तरह से लिया, लेकिन वो पेचेज में इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग थी। कुछ नया था जो उसमें एग्जीबिशन में लोगों को दिखा, और यही वो पेंटिंग थी जिसमें माने चिड़े थे, उनको लगा था कि मेरे नाम से, मतलब उनके नाम से उनको बधाई मिली थी। ये फर्स्ट पेंटिंग थी जिसमें उनको अपना अप्रिसिएशन मिला था, ठीक। बीच एट सेंट एड्रेस, देखिए अब उसके बाद जब कैमिल के साथ फ्रेंडशिप थी, सब थी, लेकिन उसके बाद उनको उनके फादर के पास जाना पड़ गया, वो बीमार थे, तो वहाँ पे वो सेंट एड्रेस यहीं पे है, तो वहाँ पे वो चले गए थे, तब उनने इस तरह का चित्रण लैंडस्केप किया था, है ना। और यही है द बीच एट सेंट एड्रेस, ऐसी सेंट एड्रेस के बीच की दो चार चित्रण इनने किया है। अब आते हैं आगे, वुमेन इन द गार्डन, ये आपको पता है जब उनकी मैरिज हो चुकी थी तो उस तरह से वो फिर एक एक्चुअली मैरिज शादी की भी एक कहानी है कि शादी के लिए पैसा नहीं था, ठीक है। एंड इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उस समय जो शादी करना ज़रूरी था लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, और दोनों में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे कैमिल और मॉनेट में, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन के करेंगे समझ आएगी। तो बहुत इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, लेकिन क्योंकि उनकी शादी ज़रूरी थी तो बजील यहाँ पे भी हीरो थे, मतलब मैं वही बोलूँगी कि बहुत कम एज में वो चले गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन यहाँ भी उनने एक फ्रेंड का फर्ज निभाया था, और उनने उनने पेंटिंग खरीदी थी मॉनेट की, मॉनेट की पेंटिंग खरीदी थी, और शायद, हाँ शायद ये वही पेंटिंग थी जो बजील ने खरीदी है, और उसके पैसे लेके फिर आगे उनने अपना लाइफ स्टार्ट किया था, ठीक। बाथर्स एट द ग्रेनलाइट, ये आफ्टर मैरिज की है, लेकिन ये दोनों ने किया है, रेनॉयर ने भी करी है, और ये जो इस एरिया में ग्रेनुलर इज एन एरिया है ना, ये इस एरिया फ्रांस का जो एरिया है वहाँ पे इन लोगों ने पेंटिंग करी थी। दोनों की है ये वाली पेंटिंग्स, रेनॉयर और इनकी, इस तरह का लाइव पेंटिंग वो लोग किया करते थे, साथ में वाइफ भी थी और बेबी भी था, लेकिन स्ट्रगलिंग थी, इधर से उधर घूम रहे थे। अब ये आ गया आपका, हाँ ये जो है आपको बताएं, जब वॉर का टाइम था, जब हम बोले बाजील की डेथ कैसे हुई थी, बाजील की डेथ वॉर के समय हुई थी, उनने फ्रेंच को डिफेंड किया था, फ्रेंच के साथ दिया था, तो उसमें ही हुई थी। तो ये वॉर के समय पेरिस लंदन चले गए थे मॉनेट अपनी फैमिली को लेके, और वहाँ पे ही इस तरह का इनने चित्रण किया। उसके बाद जब वो यहाँ से आ रहे थे, ठीक है, तो देखो ये रेलवे स्टेशन, पेरिस का रेलवे स्टेशन है, उसको भी उनने चित्रित किया, धुओं का चित्रण किया, इनने जब ट्रेन से सफर करते थे तो धुआं उनको दिखा, उसके लिए दौड़ते थे, फिर वहां रह के वो, मतलब वो इतने क्रेजी थे कि वो उनने तीन कैनवस एक साथ लगाए ऐसे करके, देखिए 1 2 3 कैनवस लगाया, और वो ऐसे कहते थे कि हर पल शेड्स चेंज होते हैं और हर स्पैन ऑफ टाइम होते हैं, तो वो थोड़ा इधर पेंट करते, फिर इधर पेंट करते, फिर इधर पेंट करते, ऐसे करके वो तीन पेंटिंग स्टार्ट करते थे। इतने क्रेजी थे आर्ट को लेके, ठीक। ऐसे ही आर्टिस्ट बनते हैं, मजाक नहीं आता। रेनॉयर, दूसरे हीरो जो हम बात करें, एक बहुत खुश मिजाज, बिल्कुल हंसते खेलते आर्टिस्ट, बढ़िया इस तरह का उनका एक वो था, जैसे एक मॉनेट की पर्सनैलिटी हम देवदास टाइप बोलेंगे, लेकिन रेन्योर की पर्सनैलिटी एक बहुत खुश मिजाज थी। एक चीज जो है मैं भूल गई आपको बताना, एक मिनट,
ये एक पेंटिंग रह गई है, जब मैडम केमाइल की डेथ हुई थी तब है ना, वो बीमार थी ऑब्वियसली, बच्चे को लेके जब से उनकी डिलीवरी हुई उसके बाद बच्चे को लेके वो इधर उधर इतना संघर्ष कर रहे थे, उस कारण वो बीमार हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जब डेथ हो गई थी तो कैमिल ऑन द डेथ बेड, आप सर्च करना, पता नहीं मैं लगाना भूल गई, कैमिल ऑन द डेथ बेड एक बहुत हार्ट टचिंग पेंटिंग है कि उनकी वाइफ डेथ बेड पे है और वो पेंट मॉनेट ने किया था। तो बहुत सुंदर पेंटिंग है वो, जरूर देखिएगा। वो मैं लगाने वाली थी पर भूल गई, भूल गई कि क्या पता बाय मिस्टेक हट गया वो, तो देखिएगा जरूर। अब रेनियर पे आते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसी पुअर फैमिली से था जैसे कि ये लोग भी थे, और स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर रहा है इन लोगों के साथ इनने बहुत, लेकिन बाद में वो बहुत सफल और लोकप्रिय हो गए। इसलिए मैं कहती हूँ अगर बजील इनकी जगह होते तो वो भी होते, लेकिन उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। इनके रंगों में पारदर्शिता और चमक, ट्रांसपेरेंसी और ब्राइटनेस ज्यादा है, बादामी भूरे और रूप मतलब जो ऐसे इन कलर्स का इनने बहिष्कार किया। इनकी मुखाकृति अनावृत मतलब न्यूड बनाए हैं, फेसेस बनाए हैं, फल फूल धूप ये तो सब इनने बनाया है। इनके शरीर मुलायम पतले मतलब बहुत सॉफ्ट और फुले हुए रहते हैं, ठीक है। रेनॉयर की पेंटिंग्स ये देखना, लगभग 600 चित्र बनाए, अंतिम दिनों में इनने मूर्तियां भी बनाई, ठीक। चलिए आगे देखें, पेंटिंग देखिए, डांसिंग एट ले मोलिन। अब इसमें भी देखो तो एकदम मुलायम से इनके फिगर्स दिखते हैं। तो डांस एट ले मोलिन डेला गैलेट, ये ऑयल ऑन कैनवास है इनकी पेंटिंग। आगे देखें, ठीक है, ले मोलिन जो है माउंट मार्टे में एक जगह थी वहां पे, मतलब उस तरह की, तो उस जगह की पार्टी एरिया में जो हो रहा था वहां का डांस इनने यहाँ पे चित्रित किया है। मॉन्ट मार्टे एक आर्टिस्ट विलेज है एक तरह से, ठीक है। ले ग्रैन्योल ये वही है जो अभी मैंने आपको मोनेट की पेंटिंग बताई, उसी जगह पे इनने पेंटिंग करी है, ठीक, देख लीजिए। अब आते हैं पोशियन वुमेन इन एल्गेरियन ड्रेस। देखिए ये जो है इनके अपने मास्टर ये डेलाक्रोइस को मानते थे, और एल्गेरियन वुमेन्स जो हैं वो डेलेक्रोइस की एल्गेरियन वुमेन्स उनने पेंट किया है, अपनी एल्गेरियन वुमेन्स को डेलेक्रोइस ने, तो उसी से इंस्पायर होके इनने ये पेंटिंग करी थी, पर्शियन वुमेन इन एल्गेरियन ड्रेस, जिसको हम हवाम भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सीन है जो बाथिंग सीन है। लेकिन ये 1872 में बहुत जबरदस्त रिजेक्ट हुई थी, और इन्हें ऐसा इनका इम्प्रेशन वो दिया था जो पैरेंट कमिटी थी कि ये एक बहुत सूटेबल है पेंटिंग काय के लिए, एक पब्लिक टॉयलेट में रखने के लिए। तो ये इस तरह का रिएक्शन इनकी पेंटिंग को तब मिला था, याद रखिए। अब आगे जाएं, वाओ दिस इज द पेंटिंग राइडिंग इन द बॉयज डे बाउलोग ने, ठीक है, राइडिंग इन द बॉयज डे, इसमें इनको इंस्पिरेशन मिली थी, मतलब एक तारीफ हुई थी, ठीक है, जिस वे में इनने घोड़े पे एक महिला को चित्रण इतना रॉयलिटी से दिखाया है, तो लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था 1873 में ऑयल ऑन कैनवास। अब बोलोगे कि ये कौन है, तो ये भी जैसे अभी मैंने कैमिल बताई कि कैमिल इनकी वो रहती थी, वैसे म्यूरेट उनकी थी मानेट की, वैसे ही जो है लिनी लोपेज इनकी मॉडल थी और उन्हीं की पेंटिंग पे इनको वो मिला था। यहाँ पे भी देखिए लाल हो गई, फेमस पेंटिंग है ये भी, जब इनने एक अपना फाइनल एग्जीबिशन की प्रिपरेशन थी, या बिफोर फाइनल 7th एग्जीबिशन शायद, तो उसमें इनने ये पेंटिंग तैयार की थी जब बेजील की डेथ हो चुकी थी 1870 के बाद, है ना, ये लिखा हुआ है 1874 में बनी है, ठीक। तो उस समय तो ये लिनी लोपेस इनकी जो फ्रेंड वो मॉडल थी और ये इनका कजिन था, ठीक। चलो आगे जाते हैं, बजील, मैंने इसलिए डेगा से पहले बजील को लिया है क्योंकि उनका हक है कि वो उनको पहले आना चाहिए इंप्रेशनिस्ट में। 1870 में इनकी डेथ हो चुकी थी दोस्तों, क्यों, मोने रेनवा के बहुत खास मित्र थे, मोने की पेंटिंग भी इनने खरीदी थी, युद्ध में भाग लिया था, फ्रांस के साथ हुए थे और बर्गंडी पोस्ट हुए थे वो उस जगह पे, वहां पे भी एट द टाइम मतलब 1870 तक भी उनने पेंटिंग्स बनाई, क्रिएट करी, स्केचेस करते रहते थे, और आके दुश्मनों ने उनको शूट डाउन कर दिया, ठीक है, और वहां से उनकी कहानी खत्म हो गई।
अब उनने पेंटिंग्स क्या क्या करी है वो देख लेते हैं। इम्प्रोफिनेस फील्ड हॉस्पिटल, बहुत अच्छी पेंटिंग, इम्प्रोविज्ड फील्ड हॉस्पिटल 1865 में, जब फाउंटेनब्लू वन में पेंटिंग कर रहे थे तीनों की तीनों। और मैंने अभी आपको बताया था कि मॉनेट का पैर टूट गया था, तो पैर टूट के ये जो स्थिति है मॉनेट की स्थिति है, और उसको पेंट किसने किया था, बजील ने किया था लाइव। और कितना ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट है, आप खुद समझ सकते हैं अपने फ्रेंड का। चलिए, फैमिली रियूनियन, एक बहुत ये भी बहुत फेमस पेंटिंग बजील की। एक ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा नाम आपको हर बुक में मिलते भी नहीं है बजील का। फिर भी ये आर्टिस्ट स्टूडियो, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ये बजील का आर्टिस्ट स्टूडियो है। कहते हैं कि ये बजील है, लंबे हाइट वाले, साथ में मोनेट और मानेट हैं, ये रेनॉयर हैं, ठीक है। ये उनके फेमस म्यूजिशियन फ्रेंड हैं, ये भी एक फ्रेंड है उनके। इस तरह का ये स्टूडियो पूरा उन्हें अपने लिए चित्रित किया था। द आर्टिस्ट स्टूडियो आप जानते हैं, गुस्टाव कोरबेट का भी है, जो मैं रियलिज्म बता चुकी हूँ, लेकिन बजील ने भी ये बनाया था। समर सीन बताया है, ठीक है। ये उनकी लास्ट पेंटिंग 1870 में, ये लास्ट पेंटिंग्स में से एक थी। एडगर डेगास, वन मोर इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट, लाइफ लॉन्ग ये अनमैरिड रहे, ठीक है। बहुत धनी परिवार से थे, जैसे मानेट थे, बहुत रिच पर्सनालिटी थे, पेरिस में जन्म हुआ था, एक धनी व्यवसायी के पुत्र थे, आजीवन कुंवारे थे और थोड़े सनकी पे स्वभाव के थे। आपको पता है कितनी लड़ते थे मानेट, और ये इस तरह के ही थे। और ये सिर्फ मानेट से नहीं है, मोनेट इनसे भी लड़ते थे, ये सबसे लड़ते थे। 1862 में मोने से भेंट हुई, मोनेट से। इन्होंने पेस्टल में बहुत अच्छे से यूज़ किया है, जो बेले डांसर्स बनाई हैं पेस्टल्स में, इनने बनाई है। इनकी कला में लोट्रेक, आगे जो हम पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फादर ऑफ पोस्टर, लिथो पोस्टर देखेंगे, वो लोट्रेक भी इनसे बहुत इंस्पायर हुए। इनने जो है समकालीन कॉन्टेम्प्रेरी पेंटिंग का चित्रण किया। यूक्योई प्रिंट, ये क्वेश्चन आया है, उससे भी वो डेगास बहुत प्रभावित थे। चलिए आगे, अंतिम समय में स्टूडियो में कार्य करते थे, किया। उनकी मृत्यु में कोई रस्म नहीं की जाए, क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए लिखा है मैंने, कि ये कहते थे कि मेरी मृत्यु पे कोई भी रस्म मत करना, सिर्फ अपने जो मित्र है वो ये वाली चीज़ कह दे कि वह रेखांकन को पसंद करता था, मैं भी करता हूँ, ऐसा कहे, और सभी लोग वहाँ से डिस्पर्स हो जाएं जब उनके फाइनल फ्यूनरल हो, ऐसा कह के कहा किसने था, डेगास ने कहा था, ठीक। चलो आगे देखें, उनकी पेंटिंग्स देख लेते हैं। बेले डांसर्स इम्पॉर्टेंट है, बेले डांसर्स को पेस्टल से पेंटिंग इनने करी है। बाथर्स का चित्रण किया है, आफ्टर द बाथ, और ये है ना, ये वही बाथर्स की सीरीज पेंटिंग की है इनने, स्केचिंग्स भी करी है और पेंटिंग्स भी। इसको हम डिस्क्राइब क्या करूँ, ये जो है ये अपने मॉडल को, मतलब अपने स्टूडियो में मॉडल बिठा के और अलग अलग पोस्टर्स में उसको चित्रण करते थे। यंग स्पार्टन एक्सरसाइजिंग, यंग स्पार्टन जो है, स्पार्टन मैंस हैं वो, एक्सरसाइज व्यायाम करते हुए लड़के, ये वाला ऑयल सीन ने बनाया है। रेस्टिंग ऑन द बेड, ये फेमस पेंटिंग जो इसमें भी लगी थी एग्जीबिशन में, ये इनका इंक से है, ये लिखा नहीं है, मैं भूल गई, ये इंक से बना हुआ है इनका वो है। चलो आगे, एट द रेसेस इन द कंट्री साइड, ऑयल से बनाया गया है ये। लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स, ये आया भी हुआ है वैक्स से, जिसको बैलेरीना, बैलेरीना मतलब ये बैले डांसर्स, इसका स्कल्पचर इन्हें बनाया है। बैलेरीना को मैंने इसलिए लिखा है, क्वेश्चन आया है कि बैलेरीना किसके द्वारा, तो बैलेरीना मतलब बैलेरीना की पेंटिंग्स भी और स्कल्पचर भी, ठीक। तो लिटिल डांसर ऑफ 14, ये वैक्स से ओरिजिनल स्टेचू था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। चलिए आगे देखो, पिसारो, इनका जन्म वेस्ट इंडीज में हुआ। इनके कार्य पर कोलोट, कुर्बे और माने का प्रभाव था, ठीक। तीनों को पढ़ चुके हो, इधर ही बार्बिजोन में पढ़ा है, कोर्बेट रियलिज्म में पढ़ा है, माने को अभी पढ़ चुके हो। पॉल सीजान ने जो है स्वयं को किसका शिष्य कहा था, पिसारो का। पिसारो नहीं कहते थे, लेकिन सीजान ने अपना गुरु पिसारो को बताया है, याद रखना। इनने ऑयल पेस्टल गुआश एचिंग टेक्निक्स में काम किया है। पिसारो का देख लो, टू यंग पीजेंट्स, पेंटिंग देख के समझ आता है कि कैसे कोरोट कोबेट से ये प्रभावित थे। इस तरह का ऑयल में पेंटिंग किया है इन्हें। क्रिस्टल पैलेस लंदन का, ये भी इन्हें बनाया है, ठीक। इनकी थोड़े से पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी काम समझ आ जाए इसलिए इन्वॉल्व किया है, तो ज़्यादा इस पर दिमाग मत देना। अगले इंप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट आते हैं, एल्फर्ड सीजली।
मोनेट के अलावा सीजली ने एक प्योर इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में कार्य किया था। ओनली लैंडस्केप पेंटर थे, ठीक है। सिटी और पेरिस की अलग अलग सिटीज, मतलब जो मुख्य नगर हैं, उनका चित्रण सिसली ने किया था। देखो, दिख रहा है आपको, इस तरह का लैंडस्केप पेंटिंग सिसली ने किया है, देख लो। ठीक, अब आते हैं बैर्थे मोरिसोट। ये एक मस्त वुमेन पेंटर ऑफ इम्प्रेशनिस्ट, ठीक है, इम्प्रेशनिस्ट के वुमेन पेंटर थी बर्थे मोरिसो। प्रभावित दल में शामिल होने वाली पहली वुमेन कौन थी? बर्थे मोरिसो माने की भाभी थी, माने की भाभी थी, उसके भाई की वाइफ थी ये, और ये एक इकलौत कारण थी कि इनके कारण माने इम्प्रेशनिस्ट में आए। ठीक, इनने काले रंग को त्यागा था। देख लेते हैं मोरिसोट का। मोरिसोट ने क्या है, मोस्टली अपने पेंटिंग में लेडीज को भी चित्रित किया है, ठीक है। समर ऑयल, ये पेंटिंग है उनकी ऑयल कलर से, समर डे, द क्रेडल। देख रहा है आपको किस तरह से महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की लाइफस्टाइल इनको पेंटिंग्स किया है। क्रेडल ये इसमें इन्हीं की बहन है, अपनी बेटी को इस तरह से निहारती हुई। किसकी? बार्थे मोरिसोट की बहन है, ठीक। मरी कसेट, ये भी इम्प्रेशनिस्ट की पार्ट थी इसलिए बताया है। अमेरिका में जन्मी थी, डेगा से मुलाकात हुई, डेगा की एक बहुत अच्छी वो थी, फ्रेंड थी, और इसलिए पेरिस में आके रहने लग गई थी। उन्होंने सोशल और प्राइवेट लाइफ वुमेन की बनाई है, मतलब एक तरह से माँ के रूप में, बहन के रूप में, फ्रेंड के रूप में, इस तरह की उनको पेंटिंग उनने बनाई है। जैसे मैंने अभी बर्थे मोरिसोट का भी बोला है, देखिए इस तरह से द बोटिंग पार्टी, कैसे माँ अपने बच्चे को लेके बैठी है, ये चित्रण इनने किया है। टी, इसमें भी दोनों लड़कियां आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से इम्प्रेशनिस्ट, ठीक है, इम्प्रेशनिस्ट, ओनली इम्प्रेशनिस्ट। इसके जो मेन आर्टिस्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट थे, उनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, और जो कम थे उनका सिर्फ नाम और थोड़ी सी जानकारी बहुत है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। देखो, इम्प्रेशनिस्ट में बहुत से काम है जो रह गए हैं, इन सब कलाकारों के बहुत से काम है जो रह गए हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है जो आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनको लेने की। अगर कुछ रह गया तो वो भी आप ज़रूर स्टडी करें, मेरे से जितना हुआ मैंने बताया, और ये सफिशियंट है, ये पॉइंट सफिशियंट है। तो इस तरह से प्लीज़ आराम से ये वीडियो को सुनना, जो मैंने एक नॉर्मल लाइफ की भी इनकी कहानी बताई है उसको भी आप याद रख, आप उसको सुनेंगे ना और अपने दिल में रखेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूल पाओगे। तो उसको इंजॉय करके पढ़ेंगे इम्प्रेशनिज्म, और आगे आर्ट मूवमेंट को ही मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अब ये है, ठीक है, अब मिलते हैं हम। जो अगला टॉपिक हमारा आने वाला है वो होगा न्यू इम्प्रेशनिज्म, जॉर्ज सूरा सूरेट, पॉल सिग्नेक, किस तरह से न्यू इम्प्रेशनिस्ट आया, पॉइंटलिज्म आया, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसमें वो छोटा रहेगा इसलिए जल्दी आएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, आपका मुझे सपोर्ट देखना बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को लगेगा वो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।